बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का क्या हाल हुआ ये सबने देखा। 11 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हुई थी और उसके बाद से ही फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन अगर टोटल कमाई की बात करें तो ये आंकड़ा 54 करोड़ तक ही पहुंच पाया है। 180 करोड़ के बजट से ये फिल्म तैयार हुई थी, लेकिन इसने अपनी आधी लागत को भी अभी तक नहीं वसूला है। सोचिए, सिर्फ 54 करोड़। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानकर चल रहे हैं कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा 60 करोड़ पर जाकर सिमट जाएगा, जो कि आमिर खान के लिए और फिल्म की पूरी टीम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बता दें आपको, 4 साल बाद आमिर खान ने बड़े पर्दे पर वापसी की, इसी उम्मीद के साथ कि उनकी फिल्म चलेगी, दौड़ेगी और हो सकता है दर्शकों को इतनी पसंद आए कि कई सारे अवार्ड भी अपने नाम कर जाए। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। आमिर खान की ये फिल्म बुरी तरह से पिटी, साल की सबसे बड़ी डिजास्टर और सबसे बड़ी फ्लॉप इस फिल्म को कहा जा रहा है। और चलिए, फ्लॉप तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को भी कहा गया था, लेकिन ठग्स ने कम से कम बिजनेस तो कर लिया था। इस फिल्म ने तो बिजनेस के मामले में भी बिल्कुल ही उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यही वजह है कि आमिर खान इस वक्त सदमे में चले गए हैं। उनसे जुड़े हुए जो सोर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आमिर खान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं। वैसे खुद कॉफी विद करण पर भी उन्होंने ये बात कही थी कि अब तो उन्हें नींद भी 11 तारीख के बाद ही आएगी, यानी इस फिल्म को लेकर वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, अलर्ट थे। एक डर था उनके मन में कि इतनी बड़ी फिल्म का, इतनी सुपरहिट फिल्म का वो हिंदी अडेप्टेशन कर रहे हैं तो उम्मीदें तो दर्शकों को होंगी, लेकिन इसी के साथ उन्हें एक आशा थी कि ये फिल्म चलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आमिर के पुराने बयानों को उठाकर, करीना के पुराने बयानों को उठाकर लोगों ने उन पर इस तरह से हमले किए, और उसके बाद बचे कुछ लोगों ने जिन्होंने फिल्म देखी उन्होंने भी बाहर आकर फिल्म की बुराई की और कहा कि इसमें आर्मी का मजाक उड़ाया गया है। ये जो माउथ पब्लिसिटी हुई फिल्म को लेकर, इसने बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पर डाला और यही वजह रही कि लोगों ने थिएटर का रुख नहीं किया। और इसी का नतीजा है कि दिन पर दिन इसकी कमाई घटती जा रही है। 10वें दिन का आंकड़ा अगर आपको बताएं तो आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। सिर्फ 1.5 करोड़ इस फिल्म ने कमाए हैं। आमिर की फिल्म अच्छी खासी चलती है। पहले दिन हालांकि बात करें तो ठीक ठाक प्रदर्शन इस फिल्म ने किया, लगभग 11.5 करोड़ के आसपास की कमाई की थी, लेकिन उसके बाद से अब तक फिल्म का जो आंकड़ा है वो गिरता जा रहा है। और इन सब के बीच जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने मुआवजे की मांग कर डाली है, लिहाजा आमिर खान हर तरह से पिछड़ते हुए और फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आमिर के पास अब बहुत कम प्रोजेक्ट्स बचे हैं और कुछ लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया है कि आमिर खान का करियर इस एक फिल्म यानी कि लाल सिंह चड्ढा ने डुबो दिया है। बता दें आपको, इसमें आमिर खान के साथ करीना कपूर खान भी हैं। अद्वैत चंदन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। बहुत सारी उम्मीदें इस फिल्म से थी, बहुत जबरदस्त तरीके से इसका प्रमोशन किया गया था, लेकिन नेगेटिव पब्लिसिटी कह लीजिए या फिर जो लोग देखकर आए उन्होंने बहुत नेगेटिव रिमार्क्स दिए, और साथ ही साथ आमिर के पुराने बयानों को लेकर उनकी तीखी आलोचना हो रही है और इसका खामियाजा उनकी फिल्म ने भुगता है। कुल मिलाकर आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? क्या आपने लाल सिंह चड्ढा देख ली है? आपको कैसी लगी? और अगर नहीं देखी है तो आप इसे क्यों नहीं देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।